गाइज हमारे गेम में न्यू मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट आ चुका और बहुत दिनों को बाद आया, तो देखते हैं हम अल्लाह को इन कितना डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर ट्राई और लक पर क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कितना हमारा लक आता है। चलो यहाँ पर स्टॉप करके देखते हैं कितना परसेंट आता है। यहाँ पर देख लो 55% डिस्काउंट आ चुका, और यहाँ पर देख लो बंडल, यहाँ पर देख लो काफ़ी खतरनाक बंडल है। और यहाँ पर देखते हैं कुछ ही, यहाँ पर मैजिक नेम कार्ड दिया, कटाना दिया, बैक पैक दिया, बैनर दिया है, और बंडल यहाँ पर उतना कोई खास नहीं है। तो यहाँ पर 10 डायमंड स्पिन करके देखते हैं, स्विच करके देखते हैं यहाँ पर क्या रिवॉर्ड आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर बंडल दिया और रिवॉर्ड के बाद इस टाइप के रिवॉर्ड दिखेगा आपको, उतना कोई खास रिवॉर्ड नहीं है, लाइफ वाइज भी नहीं आए तो कोई ना। तो दोनों में आपको दिखाते हैं किस टाइप का बंडल है, तो मुझे तो फाइनली इस बंडल को देखते हैं दिखाते ही। देखो यहाँ पर ये बंडल उतना कोई खास नहीं लगा, ये बंडल मुझे अच्छा खासा लगा तो मैं इसको ही लेने वाला हूँ। उसके लिए मैं ईगो टोकन खरीदता हूँ, 50 या ईगो टोकन खरीद लिया, और इसके लिए आपको डायमंड खर्चा करने पड़ेगा, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो। चलो यहाँ पर मैं बैग पैक लेता हूँ, बैग पैक उतना को अच्छा खासा ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मली प्राइस है, तो मैं यहाँ बैग पैक यहाँ ले लिया, और अभी मुझे डायमंड खर्चा करने पड़े, इसके लिए मैं डायमंड रॉयल वाउचर को कंफर्म कर लेता हूँ, 10 डायमंड रॉयल वाउचर भी यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है परचेस का, मैं बंडल को क्लिक करता हूँ, और बंडल को काफ़ी खतरनाक बंडल है, मैं इसको परचेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मुझे मिल चुका है बंडल, और काफ़ी ख़तरनाक बंडल लग रहा है। बंडल के बाद बोलूँ तो काफ़ी अच्छा, और मुझे मेरे पास अभी भी डायमंड बचा है, तो मैं यहाँ पर कस्टम कार्ड ले लेता हूँ। चलो कस्टम कार्ड यहाँ पर खेलने का ऑप्शन अच्छा खासा है, तो यहाँ पर कस्टम कार्ड स्क्वाड में दे देता है, इसको भी लेने वाला हूँ। यहाँ पर 2 कस्टम कार्ड ले लिया, और दिखाते हैं आपको बंडल किस टाइप का बंडल है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी खतरनाक बंडल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर, मिलते हैं वीडियो में।